नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिबजा करेला जूस के बारे में। सिबजा करेला जूस का इस्तेमाल जो है मुख्यतः शुगर को कंट्रोल करने में दिया जाता है। शुगर एक ऐसी बीमारी है जो दिन प्रतिदिन व्यक्ति को ख़त्म करती जाती है, उसके अंगों को ख़त्म करती जाती है। शुगर जब आपकी बॉडी में बढ़ती है तो पहले आपकी आँखों को ख़राब करती है, लिवर को ख़राब करती है, आपके इंटेस्टाइन को ख़राब करती है, आपकी ऑल ओवर बॉडी को ख़राब कर देती है। शुगर के साथ साथ आपको बीपी की भी समस्या बन जाती है। सिबजा करेला जूस जो है आपके शुगर को पूरी तरह से ठीक कर देता है और ये आपको दिल में जो बीमारियां बनने वाली हैं या फिर आपके लिवर में जो समस्या होने वाली हैं उनको ये डिटॉक्स करता है, आपके खून को डिटॉक्स करता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल करता है। सिबजा करेला जूस का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे जो LDL का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, LDL कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, उसको ये कंट्रोल करेगा। HDL लेवल जो है कंट्रोल रखता है। सिबजा करेला जूस का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं हो रही हैं। सिबजा करेला जूस का इस्तेमाल करने से आपको काफ़ी पोषक तत्व मिलते हैं, काफ़ी फाइबर मिल जाते हैं, काफ़ी न्यूट्रिशंस वैल्यू मिल जाती हैं। सिबजा करेला जूस का इस्तेमाल करने से आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होंगी और ये जो है एक एंटीऑक्सीडेंट है, ये आपकी बॉडी में जो है अंगों के क्षय को रोकता है। सिबजा करेला जूस का इस्तेमाल करने से ये आपके खून को जो है प्योरीफाई करता है, ये ब्लड प्योरीफाई के रूप में भी दिया जाता है। सिबजा करेला जूस का इस्तेमाल करने से आपकी भूख बढ़ती है, भूख में सुधार आता है। सिबजा करेला जूस का इस्तेमाल करने से आपको विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं और इसका इस्तेमाल करने से आपकी पाचन तंत्र भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, डायबिटीज़ पूरी तरह से ठीक हो जाती है। ये आपके कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कंट्रोल करता है, कम करता है। सिबजा करेला जूस का इस्तेमाल करने से आपको एंटीऑक्सीडेंटल गुण मिलते हैं, आपका वजन कंट्रोल होता है, आपका खून साफ होता है। सिबजा करेला जूस का इस्तेमाल करने से आपके कील मुहासे स्किन इन्फेक्शंस हो रहे हैं, आपके एक्जिमा जैसी समस्या हो रही है, आपको फंगल हो रहा है, इन सभी समस्याओं से आपको निजात दिलाता है सिबजा करेला जूस। सिबजा करेला जूस का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ग्लूकोज लेवल काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो रहा है। सिबजा करेला जूस का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शंस नहीं हो रहे हैं, आपको फंगल इन्फेक्शंस नहीं हो रहे हैं, ये सारी बीमारियां आपकी दूर रहती हैं। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पानी के साथ में 25 ml इसको मिला के ले सकते हैं, 1 time इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इवनिंग या मॉर्निंग में। इसे आप किसी भी ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से परचेज कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वारी है तो हमने एक नंबर डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उस पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गाइस मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो साथ, जब तक सेहत का जरूर ध्यान। धन्यवाद।